हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजय और मेरे साथ अंजन है। हाय फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा? रैबिट में कैसे हम डक्ट फीडिंग को लोड करेंगे, डक्ट सिस्टम में उसको असाइन करेंगे और उसको कैसे मॉडल पर्पस हम उसको यूज करेंगे, वही उसको दिखाएंगे। और उसका जो क्वांटिटी होगा बेसिक टाइप का, बहुत स्टार्टिंग बेसिक जो क्वांटिटी है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले जो आपको डक्ट फिटिंग मतलब क्या है वो आपको पता है ना? ठीक है, कितने टाइप का डक्ट फिटिंग है? वाई टाइप है, पहले वाई है, पहले जैसे है तो बहुत टाइप का डक्ट फिटिंग होता है। जैसे कि एल्बो है, ट्रांजिशन है, और आपका सू टैप है, बेल माउथ है, बहुत बहुत टाइप का। ठीक है, करते करते मैं आपको बताता चलूँगा कितने टाइप का डक्ट फिटिंग अवेलेबल है और उसका पर्पस क्या है। मेरे पास कुछ ऑलरेडी जो कस्टम डक्ट फिटिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर रख दिया है और ये आपको दिखाता हूँ। ये देखो, रेक्टेंगुलर रेडियस एल्बो और रेक्टेंगुलर शू है और स्क्वायर टी है, ये एल्बो है। लेकिन देखो, हर किसी के साइड में फ्लेंज दुखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली रैबिट के अंदर जो फैमिली अवेलेबल होता है उसमें कहीं पे फ्लेंज नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो सैंपल के तौर में आपको पहले बता देता हूँ रैबिट के अंदर एक्चुअली है क्या। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो डक फिटिंग का शॉर्टकट है DF, ठीक है, अगर वो नहीं पता है तो आप सिस्टम में चले जाओ। ये देखो, यहाँ पे आपका डक फिटिंग है। ठीक है, तो इसके बाजू में देखो DF लिखा हुआ है। ठीक है, DF है उसका शॉर्टकट। ठीक है, DF दबाएंगे ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और जैसे क्लिक करता हूँ ये देखो एक्टिव हो गया। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कितने टाइप का हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी है। ठीक है, शुरू से देखता हूँ। ये देखो ओवल क्रॉस है, ये जितने सारा फिटिंग है ओवल रिलेटेड है, आपको पता ही है। तो वो बहुत कम ही यूज होता है क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, और नीचे चलते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्रॉस है, मीन्स एक डक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब बहुत रेयर केस में यूज होता है, मतलब ना के बराबर। ठीक है, इसको भूल ही जाओ, रैबिट में इन लोग रखा है, बस कहीं अगर यूज हो जाता तो उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है एल्बो, इसको मैं एक प्लेस करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक मीटर है, एक रेडियस है, एक एक करके मैं प्लेस करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले ये ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, सेम वैसे DF दबाता हूँ और मेरे पास जो रेडियस है तीन टाइप का है। देखो, एक 1W है, 1.5W है, 2W है। ठीक है, एक रेडियस कैलकुलेशन है और ये 1 मल्टीप्लाई होता है, 1.5 मल्टीप्लाई होता है और 2 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब मैं इसका 1 विथ ले लेता हूँ और यहाँ पे बैठा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। आगे में क्या क्या है, यहाँ पे टेक ऑफ है, बहुत कुछ है, रेक्टेंगुलर टी है। ठीक है, लेकिन देखो मैंने तीन यहाँ पे फैमिली रखा है, हर जो फैमिली है ये सारे डक्ट फिटिंग है। ठीक है, किसी में भी देखो फ्लेंच नहीं है। ठीक है, 3D में भी दिखा लेता हूँ, ये देखो कहीं पे भी फ्लेंच नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो डक्ट होता है उसमें तो फ्लेंच होगा ही होगा ना, नहीं तो दोनों डक्ट कैसे कनेक्ट होगा। ठीक है, और मेरे पास जो फैमिलीज है उसमें सब जगह आपको फ्लेंच मिल जाएंगे। ठीक है, वो कस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, और मैं उसको दिखाता हूँ, तो एक एक करके मैं लोड करूँगा। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले वाला कौन सा लेता हूँ, रेक्टेंगुलर रेडियस एल्बो। ठीक है, और मैं इसको रखता हूँ इसी की बाजू में। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे आ गया है, लेकिन फ्लेंज नहीं दिख रहा है, कोई गलत तो नहीं हुआ ना। ठीक है, 3D में दिखाता हूँ, 3D में दिख रहा है, दिख रहा है। क्या हो गया फिर, यहाँ पे जो है ना ये मोड है, इसको फाइन मोड कर लो। और इसका जो है ये सेट नहीं चाहिए हमें, हिडन चाहिए, नहीं तो वायर फ्रेम चाहिए। ठीक है, वायर फ्रेम में रख लो। ठीक है, ये आपका फ्लेंज आ गया, डरा तो नहीं ना, ये संजय दा ने क्या दिखा दिया, इसमें फ्लेंज ही नहीं है। ठीक है, आएगा, सब आएगा, मैंने जब बोला तो होगा होगा। ठीक है, ए फ्लेंज आ गया, ए रेडियस हो गया, कौन सा एल्बो है, ए रेक्टेंगुलर एल्बो हो गया। ठीक है, दूसरा ले आता हूँ फिर, सू ब्रांच, ये देखो यहाँ पे बैठा दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके लेके आ रहा हूँ, चाहे तो इसको आप सबको एक साथ पकड़ के भी ड्रैग कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको बस कैसे आपको अच्छे से समझ आए तो इसलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो एल्बो है इसका पर्पस आपको पता लग गया ना,
तो एक डक जब दूसरे टाइप 90 डिग्री जब एंगल में रहेगा तब हाँ मुड़ेगा, जब 45 मुड़ेगा किसी भी एंगल में जब टर्न होगा ना उसी टाइम एल्बो काम आता है। और ये सू टैप है, अगर कोई मेन डक्ट है उससे कोई ब्रांच निकल रहा है तो वो ये जो सू टैप वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो मैं करूँगा एक एक धीरे धीरे कनेक्शन। ठीक है, अब क्या है रेक्टेंगुलर स्क्वायर टी। ठीक है, इसको भी यहाँ पे ले आ जाता हूँ ए सकल में। ठीक है, और इसको भी जल्दी कर लेता हूँ, ये हो गया है, ये देखो गजब का है। ठीक है, ये छोटा मुंह वाला है, बड़ा मुंह वाला है। ठीक है, छोटा क्या है क्योंकि कहीं पे आकर मान लो ये डक्ट मेन डक्ट है। ठीक है, और यहाँ से कोई ब्रांच निकलना है नहीं तो डक्ट का जो एंड होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एंड कैप अवेलेबल नहीं है, सडनली कुछ टर्न करना है। अगर मान लो इस केस में अगर मान लो मेन डक्ट से अगर डायरेक्ट मैं टर्न करता हूँ तो उस केस में फ्लो भी आपका अच्छा होगा, वेलोसिटी भी आपका जो फ्रिक्शन लॉस वो कम होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एल्बो है लेकिन मिटरेड है। ठीक है, मिटरेड किसको बोलेंगे, जो टर्निंग जो यहाँ पर टर्निंग रेडियस वाला हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर टर्निंग देखो ये भी एल्बो ही है लेकिन ये जो रेडियस वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेन लगा हुआ है, ये वेन जो काम क्या करता है, ये वेन जो है जो एयर थ्रस्ट मारता है ना यहाँ पर वो स्मूथली एयर को पास कर देता है यहाँ पर। तो इसी तरह मैं बाकी का भी कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर बैंड है, ठीक है, ये भी सेम है, सेम है। तो हमने क्या ले लिया था, हाँ ले लिया था इसको लगता है। ठीक है, और ये भी सही है। ठीक है, रहने दो, कोई मुश्किल नहीं है। और स्क्वायर टी है, ये देखो ये कुछ अलग से दिख रहा है। और ए बी टी है, ए बी टी है, दोनों में अंतर क्या है, इसमें वेन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वेन नहीं है, वेन का मतलब पता है ना, वो एक ब्लेड टाइप है। ठीक है, एयर का फ्लो टर्निंग है, इसके अंदर प्लेट टाइप का रहेगा, वो टर्निंग मोड में रहेगा, स्मूथली एयर फ्लो हो जाता है। और दूसरा कर लेता हूँ, बाकी जो है यहाँ पर ये है, ये क्या है, स्क्वायर टू राउंड फिटिंग है। ठीक है, ये इस तरफ देखो, हाँ ये इस तरफ देखो 600x600 का डक्ट है और यहाँ पे जो आउट हो रहा है 300 का डक्ट है, राउंड में हो रहा है, राउंड हो रहा है। तो इसको हम एस टी आर फिटिंग भी बोल सकते हैं, एस टी आर टू राउंड, स्क्वायर टू राउंड। ठीक है, और इसमें देखो सब जगह फ्लेंच लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन रिविट के अंदर जो ऑलरेडी बना हुआ है ना वो इसमें इस तरह नहीं है, बस एक टैपर जैसा देखने में होता है। ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ, डी एफ मारोगे ना यहाँ पर और रिविट के अंदर इनबिल जो है स्क्वायर टू राउंड, ढूंढते रहो आएगा स्क्वायर टू राउंड, ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये है देखो रेक्टेंगुलर टू राउंड ट्रांजिशन। ठीक है, ये एंगल वाला है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो देखने में कैसे है, थ्री में जाता हूँ मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखो ये राउंड है, यहाँ पर स्क्वायर है, ये टैपर जैसे आ रहा है, ये भी सेम जैसा है लेकिन इसमें फ्लेंच है। ठीक है, इसमें थोड़ा कॉलर है, एक्स्ट्रा चीज़ें है जो यहाँ पर नहीं है, वो आपको यहाँ पे बनना पड़ता है, और इसमें सब कुछ इनबिल्ट है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर टू राउंड। ठीक है, ये दोनों ही सेम है लेकिन ये प्रैक्टिकली है और ये है आपको बस थियोरेटिकली, यहाँ पे फ्लेंच नहीं है। ठीक है, बस दिखाने के लिए, लेकिन मैंने इसको कास्टम बना लिया था तो इसीलिए आपको भाई मिल गया। ठीक है, और कैसे बनना है मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है, मैं लिंक वहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, आई बटन में। और यहाँ पे दूसरा जो है ये वाला लेता हूँ, ये है ट्रांजिशन। ठीक है, ये ट्रांजिशन का क्या फ़ायदा है, यहाँ पे देख सकते हैं 600x300 का डक्ट है, कहीं इन हो रहा है और आउट जो है 300x300। ठीक है, राउंड में हो रहा है, नहीं ये सारे दोनों साइड जो है रेक्टेंगल है, दोनों साइड रेक्टेंगल, दोनों साइड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एक राउंड है एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, 3D दिखा देता हूँ, देखो दोनों साइड रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर रेक्टेंगल, यहाँ पर रेक्टेंगल, इसका एक साइड राउंड है, एक साइड जो है स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल दो ही बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आप उसको एडिट कर लो। ठीक है, और जो बचा हुआ उसको ले लेता हूँ, एक ही बचा हुआ है यूनियन। ठीक है, इसको आपको काम में आएगा। ठीक है, ये कहाँ पर काम आएगा, किसी जगह आपको डक्ट ऑर्डर करना है वो छोटा छोटा पीस होकर आएगा। ठीक है,
और उसको साइड में जाके आपको असेंबली करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड बोलता है एक डक्ट होगा जैसे 1.4 मीटर होगा, सऊदी बोलता है 1.12 मीटर हो गया, ठीक है। वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग उसका रिक्वायरमेंट होता है, वो अपने हिसाब से कस्टम करता है, लेकिन हर कंट्री में अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। जो रैबिट में उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, रैबिट में तो हमारे पास पूरा एक लंबा सा डक्ट होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको प्लीट कर देंगे वहाँ पर, और स्प्लिट में हम असाइन कर देंगे जो यूनियन होगा वो अपने आप जहाँ जहाँ स्प्लिट करेंगे यूनियन बढ़ते जाएगा, ठीक है, और डक्ट भी पीस होते होते जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये हमें मैनुअली करना पड़ता है। रैबिट में और एक ऑप्शन है और मैं एड्रेस बताता हूँ, इस सिस्टम में आपको मिल जाएगा, ये फैब्रिकेशन पार्ट है, ठीक है। ये जैसे फैब्रिकेशन करेंगे ना, ये छोटा छोटा पार्ट इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखो डक्ट छोटा छोटा पीस लगा रहे हैं, ऐसे लगा के असेंबल कर लिया, ठीक है। ये छोटा छोटा डक्ट पीस होगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से वहाँ पे डाटा बेस सेट होता है, उसी साइज़ का डक्ट छोटा छोटा पीस होके वो वहाँ पे असाइन करता है। लेकिन हमें फैब्रिकेशन में नहीं जाना है, क्योंकि फैब्रिकेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमेबल होता है, वो बहुत टाइम लेता है करने के लिए। लेकिन हमें क्या करना है, उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, बस हमें लंबा सा डक्ट बनाना है, प्लीट करके उसको जो यूनियन लगा लगा के उसको छोटा छोटा पीस करके हम उसको फिर बस सॉफ्टवेयर के हिसाब से दिखा देंगे, मॉडल कर देंगे, ठीक है। अभी हमने सारे जितना सारा फिटिंग है यहाँ पे लोड कर लिया है, ये छोड़ के भी और भी काफ़ी फिटिंग्स हमें चाहिए होगा, वो यहाँ पे हम दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल जितना स्टार्टिंग में आपको फिटिंग्स चाहिए होगा वो यही है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जो मिटेड वाला जो रिड्यूसिंग एल्बो है ना, इसको एक रेडियस वाला भी मिलता है। रेडियस वाला में क्या होगा, उसको अगर लोड करने में वो बताता हूँ आपको थोड़ा, जैसे डक्ट फिटिंग डी एफ, ठीक है, और यहाँ पे लोड फैमिली करता हूँ और मैं जाता हूँ कहाँ पर, इंडियन एनोटेशन, मुझे एनोटेशन नहीं चाहिए, डक्ट चाहिए, डक्ट टिक कर लो फिटिंग, और रेक्टेंगुलर डक्ट है हमारा, रेक्टेंगुलर डक्ट, फिर लेता हूँ कौन सा एल्बो। ये जो फैमिलीज है ना, ये मैं अपना जो रैबिट 2019 का जो इनबिल्ड है ना वहाँ से मैं ले आ रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे रेक्टेंगुलर एल्बो एसेंट्रिक रेडियस है, ठीक है। इसका क्या काम होगा, मैं इसको लोड कर लेता हूँ पहले, उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। ओपन, देन यहाँ पे बैठा देता हूँ, लेकिन इसमें फ्लेंच नहीं है, ठीक है। ये जो फ्लेंच है आप मैनुअली इसको एडिट भी कर सकते हैं, और मैं इसको 3D में बताता हूँ, दिखने में ये ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना, इसका जो दोनों साइड है इसमें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर 1000x1000 रखना है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे 500x500 रखना है, ठीक है। देखो दिखने में कैसे है, एक साइड बड़ा है एक साइड छोटा हो गया, ये अपने हिसाब से आप बना लो। ये फिटिंग भी बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, बहुत जगह, ठीक है। ये फिटिंग आपको समझ में आ रहा है, और इसका भी और भी एक अच्छा फंक्शन है, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा सेक्शन करके बताता हूँ, और जैसे मान लो फिटिंग को मैं यहाँ पर रखता हूँ, खाली जगह में रखता हूँ, आपको समझ आसानी से समझ आए। 90 घुमा लेता हूँ, और मान लो मुझे एक सेक्शन बनाना है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे डक्ट एक बनाना है, एक ड्रॉ डक्ट कर लो, और यहाँ पे ड्रॉ डक्ट कर लिया है, और यहाँ पे ड्रॉ डक्ट आप जब जैसे करेंगे ना वो नहीं होगा, ठीक है। कैसे करने हैं, इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर लो, इसको रोटेट कर लो, ठीक है। अब यहाँ से जो साइज होगा 500x500, ठीक है, और मैं इसको 500x500 कर लेता हूँ, और इसको जो है मूव करके यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे फाइन करना है, और मुझे वायर कम करना है, ठीक है। अब मैं जो फिटिंग को पकड़ूंगा इसका एंड पॉइंट, यहाँ पे टैप अगर दबाएंगे ना, देखो टैप दबाता हूँ, ये नहीं पकड़ में आ रहा है, अगर कनेक्ट नहीं हो, हाँ कनेक्ट नहीं है, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे मैं जोड़ दिया, ठीक है। अब टैप दबाते हैं, कनेक्ट हो गया, सब सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब 3D में देखो कैसे में है, 3D में देखने में ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे मज़ेदार जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, सेक्शन में जाता हूँ, अगर मान लो आपको जो डक्ट बनाना है बॉटम फ्लैट करना है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे जो बॉटम है यहाँ पे भी बॉटम है, ठीक है। अब किसी को भी एक कंसीडर सेम रख सकता है, जैसे मान लो इसका बॉटम सेम होगा, यहाँ पे ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको DL दबाना है, मुझे इसको फिक्स रखना है, कितना नीचे इसको करना है वो उसको मेजर करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से मैं 250 नीचे करना पड़ेगा, ठीक है।
और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है और डेप्थ जो है, डेप्थ नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे स्ट्रेट इन स्ट्रेट आउट टॉप चेंज, ठीक है। ये जो टॉप चेंज है ना, इसको आप माइनस 250 कर लो, ठीक है। ओके, इसको मैंने 250 कर दिया माइनस, जैसे कर दिया ये नीचे आ गया। देखो इसका जो बॉटम है, इसका बॉटम सेम हो गया, सेम हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड करूँ, पहले ऐसे था, पहले वो मिडिल में था, पहले सेंटर सेम, सेंटर था, पहले सबका सेंटर सेम था। अब कंट्रोल वाई करता हूँ, अब ऐसे हो गया, ठीक है। तो दोनों का जो बॉटम है अब सेम हो गया। इस फिटिंग का पर्पस ही यही है, मतलब ये आपको बहुत कस्टम आपको देगा, ठीक है। ये यूज भी बहुत बहुत जगह में यूज होता है। मैंने, मेरे हिसाब से मैंने आज तक जितने एक्सपीरियंस किया है ना, ये फिटिंग को पैसा भी बहुत बचाता है आपका, आपका जगह भी बहुत बचाता है और आपको करने भी आसान हो जाता है। लेकिन काफ़ी लोग इसको पसंद नहीं करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पसंद है। एक प्रोजेक्ट में मैंने फिटिंग को बहुत जगह लगा दिया था, ठीक है। वहाँ पर जो मैनेजर था वो बोल रहा है, संजय तुमने ये बहुत ऑड टाइप का लगा दिया है। कौन, जो कंसल्टेंट था उसको पसंद आया, उसने बोला ठीक है तुमने संजय सही किया है, तो मैं वो लगा दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है साइड वाला कैसे लगाता है, मैनेजर भी सही था, लेकिन मुझे साइड वाला का जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे पता है, मैं उसके हिसाब से कर दिया था। मुझे उसके कॉस्ट सेविंग करना था, मैं इसलिए वो प्रोसेस में चल रहा था, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, स्पीडिंग का काम ही यही है, पैसा बचाना है और जगह भी बचाना है। अगर कॉर्डिनेशन का टाइम आपके पास जगह नहीं है, कम जगह के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कस्टम करना है, तो उस टाइम में ये फिटिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। अब तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कैसे लोड करना है और उसका पर्पस में बताया। नेक्स्ट जो हमारा चीज़ें होगा, ये जितना सारा सिस्टम है ना, उस सिस्टम में ये जो फिटिंग होगा इसको असाइन करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये सप्लाई डक्ट है, और ये जितना सारा सिस्टम मैंने आपको पहले ही बना दिया था वीडियो में, कैसे सिस्टम बनाते हैं वो आप देख लो। इसको क्या करूँगा, यहाँ पे भी ड्रॉप डक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो एल्बो कैसे लिया, ऑटोमेटिक ले लिया, ऑटोमेटिक ले लिया है। ये कौन सा वाला एल्बो लिया है, बिना फ्लेंच वाला, लेकिन हमने जो लोड किया है वो लेना है हमें, ठीक है। मैं इसको बस स्टैंडर्ड के लिए रख देता हूँ, अभी मैं इसको छेड़ता नहीं, कंट्रोल जेड मार देता हूँ और इसको ऐसे रहने देता हूँ। बाहर इसको कॉपी करके बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। एक जगह चेंज करेंगे ना, सब जगह हो जाएगा, क्योंकि हमारा मटेरियल सेम है, लेकिन हमने दो बार डुप्लीकेट किया है। आपको पता होगा, एक किचन के लिए बनाया था डुप्लीकेट और बाकी के लिए एक सेम था। तो हमें दो बार जो डक फिटिंग है ना, असाइन करना पड़ेगा दोनों डक सिस्टम में, ठीक है। वो किचन में जो डक्ट होगा उसके लिए अलग और बाकी सब के लिए सेम। हाँ सही है, ठीक है। क्योंकि हमें दो मटेरियल चाहिए था, तो इसीलिए हमने उसको दो डिवाइड कर दिया था। कास्ट आयरन का अलग से बना दिया था, बाकी का जो गैल्वेनाइज स्टील था उसके लिए अलग से बना दिया था। हमें गैल्वेनाइज्ड में अलग से डक्ट फिटिंग असाइन करना है, कास्ट आयरन का है उसमें अलग से करना है फिटिंग, लेकिन सबका एक ही पर्पस है, बस उसका जो मटेरियल अलग है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करके बाहर ले जाता हूँ, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बाहर करना अच्छा है, क्योंकि मैं इसका जो अरेंजमेंट जो है ना, इसको बिगड़ना नहीं चाहता, ठीक है। ये सप्लाई में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे जो फिटिंग है इसके अंदर मैं असाइन करूँगा। पहले आपको डार्क सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने सिलेक्ट कर लिया है, फिर एडिट टाइप, ठीक है। और यहाँ पे जो राउटिंग प्रेफरेंस है, यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एल्बो है पहले वाला ऑप्शन, लेकिन हमने जितना सारा फैमिली लोड किया था उसके आखिर में फ्लेंच लिखा हुआ था, उसी को देख के आपको समझ आ जाना चाहिए और उसको यहाँ पे असाइन करना है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फ्लेंच वाला ढूंढो, यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर रेडियस एल्बो फ्लेंच, ठीक है, इसको ले लेता हूँ, ठीक है। दो फ्लेंच है, देखो रिड्यूसिंग एल्बो भी है और बिना भी ऐसा है, ठीक है। तो मैं रिड्यूसिंग वाला नहीं लेता हूँ, ये लेता हूँ, ठीक है। और टी है, अभी देखो प्रीफरेंस जंक्शन टाइप जो टी है, नॉर्मली क्या है, एक मेन डक्ट जा रहा है, वहाँ से कोई ब्रांच आ रहा है ना, तो वो अपने आप यहाँ पर टी कनेक्शन करके बना देगा, लेकिन हमें नॉर्मली क्या है ना, टी यूज नहीं होता है वहाँ पर, जो सू टैप है ना, सू टैप से उसको कनेक्ट करता है। तो हम उसको क्या करेंगे, टैप से दिखाएंगे, टी को चेंज करके यहाँ पे टैप दे देंगे, ठीक है। और जैसे दे दिया, यहाँ पर आपको चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर देखो कौन सा वाला हमने लोड किया है, और यहाँ पर फ्लेंच वाला, ठीक है। एक सू टाइप का है, स्क्वायर वाला भी है, ठीक है। तो हमने सू टाइप का लेना है। अब क्या है ना, क्रॉस में देखता हूँ, क्रॉस में कुछ भी नहीं है, जैसे है रहने दो, क्योंकि हमें क्रॉस का ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन में देखो यहाँ फ्लेंच वाला अवेलेबल है, इसको क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे बाकी जो है, अब देखता हूँ ये वाला, यहाँ पे भी ट्रांजिशन है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी फ्लेंच है, स्क्वायर टू राउंड,
इसको कौन सा फिटिंग का नाम है, एसटीआर, हाँ एसटीआर स्क्वायर टू राउंड, ठीक है ये ले लिया है। अब ये भी देख लेता हूँ कौन सा है, ओवल है, हमें ओवल से कोई मतलब नहीं रखना है अभी, क्योंकि ओवल का रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, हमारे पास इतना पैसा नहीं, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो तब, हाँ हम गरीब बंदे हैं हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है ओवल है, ओवल छोड़ देते हैं, और यूनियन, यूनियन हमारे पास था अवेलेबल, हमें फ्लेंज वाला लेना था, हमें फ्लेंज वाला सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे कैप जो है क्लैप, यहाँ पे फ्लेंज वाला हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो है वही लाना देता हूँ, ठीक है। अगर चाहे तो इसको कस्टम करके इसके ऊपर फ्लेंज बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। देन ओके, ठीक है, देन ओके। अब क्या है ना, इसको ड्रॉ डार्ट कर लेता हूँ। अब कौन सा आएगा, पुराना वाला फ्लेंज वाला आएगा, देखो यहाँ पे फ्लेंज वाला हमारे पास आ गया है। यहाँ पे एक मज़ेदार जो चीज़ है, ये जो फ्लेंज है ना, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये जो फ्लेंज है इसको कैसे चेंज करना है, यहाँ पे देखो एक्सटेंशन जो है ना, इसको आप चेंज करके 75 कर लो, ठीक है, इसको भी 75 कर लो, ठीक है। ये देखो एक्सटेंशन जो है ना, हमने तो चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सटेंशन जो है फ्लेंज नहीं है, ये यहाँ से ये जो ए पॉइंट से ए पॉइंट का एक्सटेंशन है, ठीक है। नॉर्मली इसको हमें 50 रखना है, मैंने इसको गलती से 75 कर दिया है, क्योंकि ये जो रेडियस के बाद जो एक्सटेंशन है नॉर्मली लोग 50 रखता है, इसको मैं 50 रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चीज़ आपको बताना है, एक्चुअली जो एक्सटेंशन है इसका काम क्या है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको फ्लेंज बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे इसका जो एक्सटेंशन है ये काम करता है, कहाँ पे एक्चुअली इसका यूज है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन, इसका जो फ्लेंज है, ढूंढो कहाँ इसका फ्लेंज है, होगा लाजिम कहीं नहीं मिला फ्लेंज सर्च, ठीक है। इसको आप 75 कर दो, बढ़ेगा, ठीक है, 50 कर दो, छोटा हो जाएगा जो भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इसको 75 रखो, ठीक है, और 50 भी रख सकते हैं, वो अपने ऊपर है, वो बस जो मैनुफैक्चर करेगा, हाँ, जो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा वो इसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। 75 रख दिया फ्लेंज, और ये आपको पता चल गया फ्लेंज कैसे छोटा बड़ा होगा। अब क्या करना है हमें, एक्सटेंशन दोबारा, ठीक है, इसका एक्चुअली यूज कहाँ हमारा होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो ये हमारा डक्ट है, ठीक है, और ये कंसीडर कर लो ये जो डक्ट पीस होगा 1400 का होगा, ठीक है, एक पीस जो होगा 1400 का। तो मैं क्या करूँगा, डीएल दबा के मान लो हमारे पास इतनी सी डक्ट है, यहाँ से कोई कॉपी कर लेता हूँ इसको, मैं कॉपी करता हूँ इसको, रोटेट कर लेता हूँ, और इसका मान लो ये मेन डक्ट होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, 1000 by 1000, ये इतना बड़ा डक्ट है, और इसमें ये जो ब्रांच है ये यहाँ से ब्रांच निकल रहा है, और मुझे यहाँ पे कौन सा फिटिंग लगाना है, शू टैप, शू लगाना है, शू लगाना है, नॉर्मली शू लगाता है, टी बहुत कम यूज होता है, ठीक है, अगर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ पे होगा तो शू टैप ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिम करेंगे, मॉडिफाई में जाके ए वाला ट्रिम ले लो, मल्टीपल भी ले सकते हैं, ठीक है, हम ले लेंगे ए वाला, इसको क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा जो शू टैप कनेक्शन हो गया है। लेकिन देख लो यहाँ पे भी एक्सटेंशन जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटा एक्सटेंशन है, डायमेंशन मेजर करता हूँ, डी आई इसका एच और ए वाला देख लो 23 है, तो वो स्टैंडर्ड जो बोलता है ये जो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन बोले तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा इसको 200 चाहिए, ठीक है, और जो एक्सटेंशन है मैं इसको चेंज करता हूँ, एक्सटेंशन इसको कितना है 200 रखना है, ठीक है, ये बढ़ गया, ठीक है, अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब वो अब बहुत लोग भी बोलते हैं, सऊदी स्टैंडर्ड बोलेगा यहाँ पे मुझे 4 इंच का चाहिए, 100 का चाहिए, ठीक है, लेकिन जो वेस्टर्न साइड है ना वो बोलता है मुझे इसको 200 ही चाहिए, ठीक है। अब फिलहाल छोड़ देते हैं, बार्गेनिंग में नहीं जाता हूँ, जो जिसका चाहिए वो कर लेगा। अब यहाँ से मान लो एक डक्ट जाएगा, ये 1400 डिस्टेंस मेंटेन करके जाएगा, छोटा छोटा पीस होगा, इसको यहाँ से डीएल करता हूँ और यहाँ से 1400 देता हूँ, ठीक है, काफ़ी लंबा हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ, ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, स्प्लिट करते करते जाऊँगा, ये मान लो 1400 1400 1400, अब मान लो ये वाला लेता है, ये पकड़ में नहीं आ रहा है, फिर डायमेंशन देता हूँ 1400। ठीक है, अब मान लो मुझे इसको इक्वल करना है, इक्वल नहीं ले रहा है, बहुत सारा हो गया ना इसीलिए। हाँ, नहीं बहुत सारा नहीं, एक्चुअली ये जो फिटिंग है ना ये डायमेंशन का हिसाब से नहीं चलता है। ठीक है, ये आप अगर एक एक पकड़ के करोगे, मूव करोगे तो वह होगा। ऐसे मान लो इसको मुझे 1400 लगना है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। ठीक है, 1400 हो गया है, इसको छोड़ दो, सेम वैसे इसका भी कर लेता हूँ, एक एक कर सकते हैं अलग से। मैं इसको स्पीड लगा दूंगा वीडियो में, एक ही करना पड़ेगा क्योंकि मैनुअल प्रोसेस है। ठीक है, 1400 हो गया है, इसको भी 1400 कर लेता हूँ, इसको भी 1400 कर लेता हूँ, और इसको भी 1400 कर लेता हूँ, और इसको भी मैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचा हुआ है इतना सा बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट पीस हमें क्यों लगाना है। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड जो है HBC में, ये जो एक्सटेंशन है ना, यहाँ से एक्सटेंशन कितना डिस्टेंस है यहाँ पे ऑलरेडी मेजर कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 48 का है। ठीक है, लगभग 50। हाँ, तो ऑलमोस्ट 50 का है। ठीक है, अब क्या होगा, तो हमें एक्सटेंशन का जो है, अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो 48 का एक्सटेंशन होगा ना, इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक ले आ जाऊँगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो डक्ट है ना ये रिमूव हो जाएगा, सिर्फ ये जो फिटिंग है यही यहाँ पे एक्टिव रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास कितना यहाँ पे डायमेंशन है, 1070। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो एक्सटेंशन यहाँ पे ऑलरेडी है, मान लो एक्सटेंशन कौन से वाला है, कैसे पता चलेगा, पहले 60 करके देखता हूँ, पता नहीं चल रहा है, इसको 100 करके देखता हूँ, इधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको मुझे फिक्स रखना है, नीचे वाला को करना है। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया, इसको इसके पहले इक्वल दे दो, प्लस कितना है वो जो वैल्यू है पुट कर दिया है, और ये अपने आप बढ़ गया। ठीक है, इसका जो प्लेन यहाँ पे था वो यहाँ तक आ गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको पकड़ के इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये फिर टैब में कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह अब जो है ना, डक्ट जो है छोटा छोटा पीस है वो आप उसको बचा सकते हैं, उसको हमें ज़रूरत नहीं है, ये फिटिंग को हमें इसको कस्टम करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं साइड में। ठीक है, तो इस फिटिंग का काम ही है, फ्लेंज को बढ़ा दो और फ्लेंज का जो एक्सटेंशन बढ़ा दो, जो भी आपको चाहिए, फ्लेंज का जो थिकनेस है वो भी कुछ भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, ये आपका जो है कस्टम है, ये फिटिंग बन गया। ठीक है, तो ये आपका एल्बो का काम हो गया है, और ये आपका शो टैप का काम हो गया। ठीक है, और ये मैंने किस डक्ट में बनाया है, सप्लाई का सिस्टम, सप्लाई का सिस्टम बनाया है। ठीक है, मान लो इस सिस्टम का आपको रिटर्न करना है, किसी भी करना है, तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं रिटर्न फेंक देता हूँ तो आपने आप सब जगह देखो रिटर्न हो गया। तो एक कुछ भी आप कर दो, 3D में भी अपने आप कलर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 3D में भी एक कलर हो गया है मैंने जो बनाया था। ठीक है, बनते जा रहा है। ठीक है, ये लेकिन मैं बस आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो हम जो आगे वीडियो बनाएंगे ना उसमें आपको प्रैक्टिकली बताएंगे एक जगह में, एक रूम में कहाँ पे सप्लाई होगा, कहाँ पे रिटर्न होगा, इक्विपमेंट का लोकेशन कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली आपको सॉफ्ट ड्राइंग करके बताएंगे, वो अलग वीडियो जो हम बनाते जाएंगे उसमें आप दिखाते जाऊँगा मैं। ठीक है, तो ये आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब प्लान में चला जाता हूँ। तो हमने जितना सारा यहाँ पर फिटिंग था, इसमें से सिर्फ आपको शो टैप के बारे में बताया है और एल्बो के बारे में बताया। ठीक है, ये दो फिटिंग के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, शेयर कर दो, अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, सीखने से मतलब है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं है तो नहीं करना है, नहीं करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या है, अंजन कुछ बोलना चाहेंगे, तो हमने एक छोड़ दिया है क्वान्टिटी के बारे में। हाँ, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्वान्टिटी के बारे में हमने बताया नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, जितने सारे हमने अभी यहाँ पर फिटिंग रख दिया है
और मैं चाहता हूँ और भी काफ़ी फिटिंग हो जाएगा, लोकेशन भी फेस्ट हो जाएगा, एक्चुअली फिटिंग कहाँ पे यूज हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन बन जाएगा, कुछ उसका मैन्युफैक्चर डिटेल जो चाहिए चीज़ है वो यहाँ पे, मॉडल नंबर जितना सारा चीज़ है वो यहाँ पे आएगा, तो वो क्वांटिटी जब मैं बनाऊँगा ना वो देखने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में पहले जो हमने बताया था क्वान्टिटी के बारे में बताएँगे वो यहाँ पर स्किप करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जो फिटिंग बाकी जितना फिटिंग है उसके बारे में बताएंगे और क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना सही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।